पर कैसे हैं आप सब और सामने सूर्य भगवान जी के दर्शन कर लीजिए बेटा बस में बैठ के चला गया स्कूल फिर उसके बाद फ्रेंड ये कुछ बर्तन थे जिनको मैं स्टैंड पे लगाने लगी हूँ क्योंकि ये पूरा बर्तन का झाबा था ये पूरा भरा हुआ था मैंने कहा चलो पहले इसको लगा देती हूँ उसके बाद दूसरा काम करती हूँ तो ये कल शाम को ही मैंने बर्तन लगाए थे बर्तन साफ करने के पहले जो भी बर्तन थे स्टैंड में मैंने लगा दिए और फिर उसके बाद देखो यहाँ बर्तन उठा के ला रही थी क्योंकि जो स्टैंड में बर्तन लगाए थे वो पहले के बर्तन थे और ये बाद के बर्तन हैं और फ्रेंड मेरे के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कल मैंने आप लोगों से कुछ बात की थी सारे लोग मेरी लाइफ के बारे में बहुत जानने के लिए परेशान लव मैरिज लव मैरिज तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी तो प्लीज गाइस वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और अपने सुझाव मुझे जरूर दें मैं आज आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगी गोल गोल कुछ भी नहीं घुमाऊंगी तो गाइस साफ हो गई फर्श थोड़ी देर फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर और गाइस आज मैंने देर से मोबाइल उठाया मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉगिंग करना शुरू करते क्योंकि मुझे जगह लगभग दो घंटे हो गए मगर मैंने वीडियो नहीं यानी मोबाइल ही नहीं उठाए थे और इधर देखो यहाँ नाश्ता बन गया दलिया आटे को मैंने मार दिया है और कुकर में मटर भी मैंने पका ली पानी भी गर्म कर दिया बेटे को जगा के आए मगर देखो जगाने के बाद ए उठो बाबू उठ के बाहर आओ करो इधर आओ गुड मॉर्निंग पहले उठ के बैठ के हाथ को चुमो अपने हाथ से देखो हाथों को चुमो गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बैठू वेरी गुड मॉर्निंग ये देखो ये देखो ये देखो अच्छा चलो बाहर आओ अच्छा टाइम हो रहा बच्चा जल्दी आओ बेटू मेरे कहते मम्मी आप मुझे प्यार नहीं करती हूं। बताओ मैं इनको प्यार नहीं करती हूँ आप ही लोग बताइएगा मैं इनको प्यार करती हूँ नहीं आप बाबू ये देखो फिर आप मैं ये गिर गिर पड़ रहा देखो इसको कहो रात में जल्दी सो जा सोते नहीं आओ बेटा जल्दी से आओ फटाक से हाँ जल्दी से आ जाओ यहाँ देते हैं बेटे को पानी गरम मैंने कर लिया पानी इसको देंगे नहाने के लिए उठ नहीं रहा नह हाज ओ, भारी हो रहा है ना क्योंकि एक हाथ से पकड़े हैं फोन तो पानी को यहाँ रख दिए और बच्चे को देने के लिए और मोबाइल को लगाती हूँ ट्राई बोर्ड में देखो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ ये देखो मेरे फोन का क्या ट्राई बोर्ड टूट गया यहाँ से टूटा हुआ ये देखिए ये यहाँ से टूटा हुआ है इसमें मैंने जो सेल्फी वाली छड़ी होती है उसको बांध के रखी ये भी अभी चार पाँच दिन पहले ही ले कर आए अगर ये भी ना हो तो मेरा वीडियो नहीं बन पाता और पानी की आवाज़ आ रही ना क्योंकि पानी खुला हुआ है तो चलिए गाइज़ मिलते हैं कुछ देर बाद और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग का मजा लीजिए हेलो फ्रेंड तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैं इस जगह पे रखी थी मटर और मटर पक गई थी इसको मैंने थाली में पलट लिया है और उधर लेने गए थे ठंडा पानी और इसका जो मटर का पानी जो गर्म पानी है इसको मैंने पसार दिया फिर इसमें ठंडा पानी डाल दिए हैं कि ये मटर की जो छीमी है थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो छीलने में आसान रहेगा और गाइस मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी और सारे लोग मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं मैं अपनी लाइफ के पूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और गाइस जैसे कि मैं आप को बताती हूँ लव मैरिज शादी करने से क्या होता मतलब ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी ख़राब हो जाती है क्योंकि जिस इंसान के ऊपर हम भरोसा करके और उसके साथ लव मैरिज शादी करते हैं उसके बाद वही इंसान धोखा दे के दूसरी शादी कर लेता है और परेशानी होती रहती है मतलब उस समय सूझबूझ के कोई भी दिमाग ही नहीं रहता कैसा सूझ है कैसा बूझ है मगर बाद में वही जब चीज़ कहते ना जब हाथ से फिसल जाती तब बाद में एहसास होता हाँ यहाँ पे गलती है गलती की है इसी वजह से तो गाय मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत परेशान है उन उसकी शादी हुई उसने लम्बे शादी की उसके बाद उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दे दिया उसके बच्चे भी हैं आप बताओ उसके बच्चे कहाँ जाएंगे अब दूसरी शादी करेगी तो बच्चे का कौन होगा जब पहले आदमी से उसको सुख नहीं मिला तो क्या उसको दूसरे आदमी से सुख हो मिलेगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ प्लीज़ गाइज आप लोग क्वेश्चन मुझे आंसर दे के बताना क्या जो इस इंसान को जब पहले आदमी से सुख नहीं मिला क्या उसको दूसरे आदमी से मिल सकता है क्या अगर ऐसा हो सकता और गाइस आरती ही आरती को ले लो आरती की वजह से आरती की माए के पक्ष की पूरी फैमिली बिखर गई माई के और ससुराल जहाँ की मनु की भी यानी कि मनु के घर की क्योंकि छोटू तो अब इस दुनिया में रहा नहीं बेचारा और मनु जो है मनुष्य शादी हुई उसके बाद कितना सारा बवाल चल रहा कि आरती ऐसा है आरती वैसा है तो ये सब सारी बातें हैं गाइस जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है और गाइस देखो आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे मैंने मटर को छील भी लिया और मटर को हाथ से मैंने मेस कर दिए थे फिर उसके बाद इसमें मैंने कढ़ाई में तेल डाले तेल गरम हो गया उसमें मैंने जीरा हींग मिर्च वग़ैरह वगैरह नमक वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं और इधर ये हो रहा था कि मैं इसको इस साइड में बेटे के टिफ़िन में फल काट के रखने लगी हूँ मैंने कहा टाइम ना ज़्यादा हो जाए और क्योंकि इसको थोड़ा भूनने में टाइम लगेगा क्योंकि ऐसे मटर गीली हो जाती जब भून दो तो मटर जो है थोड़ा थक इसका जम जाता है तो सही रहता मतलब भरने में सही रहते और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसको चलाने लगी हूँ और ये मेरा कंप्लीट हो गया है अब इसको मैं निकाल दूँगी और फिर इधर गैस में आ गई हूँ कढ़ाई में डालने के लिए तो पहले एक मैंने बेल के रख लिया है ये गाय के लिए है तो मैं बना रही हूँ मटर की कचौड़ियाँ क्योंकि जैसे आपको मालूम है विंटर के सीज़न में ये सब बहुत अच्छी लगती हैं जैसे कचौड़ी पूड़ियाँ ये सब तो मतलब सीजन में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है बहुत यम्मी भी रहती तो मैं आज बेटे के नाश्ते में यही दी हूँ यानी लंच ले जाने के लिए और गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जिस लड़की को एक आदमी से सुख नहीं मिला पहले पति से नहीं मिला क्या उसको दूसरे पति से मिलेगा नहीं मिलेगा ना दूसरे पति से सुख नहीं मिल सकता मेरी समझ से तो नहीं दूसरे से अगर वो शादी करती है तो उसके बच्चों का क्या होगा उसके बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा बच्चे किसके पास जाएंगे जब पहला आदमी उसको नहीं आ, अपने बच्चों को अपना रहा तो दूसरा आदमी दूसरे के बच्चे अपना सकता नहीं अपना सकता है. बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी और गाइज ऐसे करके देखो कचौड़ियाँ एकदम फूली फूली निकल आ रही तो आ रही ना खुशबू आ जाइए खाने के लिए और मेरा बेटा खुश हो गया और इसके साथ में मैंने उसको दिए थे सॉस बल्कि सॉस नहीं देना चाहिए मगर मैंने उसको दिए थे जाते हैं बिट्टू जग गई है जगने के बाद टीवी भी चला दी है और ये देखो बिट्टू को दिखाते अपने आप आज जग गई है और जगह गई टीवी चला के टी वी के बाद ये देखो फिर अब गुब्बारा खेलना इनका शुरू उठोगी नहीं क्या नहीं। बाहर आओ नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो <laughs> और आज मैंने इनको जगाया नहीं आज ये अपने आप जगी चलो बाबू आओ बाहर ए -ए 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 बाहर आओ बाबू ऐ ये इनका गुब्बारा यहाँ यहाँ बैठ गया इनके भाई के साइकिल के ऊपर चलो बाबू आ जाओ आओ बाहर नहीं। आ जाओ आ जाओ सारे लोगों से बोलो अच्छा गुड मॉर्निंग बिटू ए इधर इधर मेरी तरफ देखो ए ए बिटू बाबू इतनी शैतान लड़की इतनी शैतान लड़की है ए, नहीं मेरे दोनों बच्चे इतने शैतान है इतना परेशान करते कभी, yeah. कभी 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 गुस्सा आती मैं जम के पिटाई भी करती देखो अब बुला रहे yeah. सबसे गुड मॉर्निंग बोलो तो वेरी गुड मॉर्निंग मैं छो के जग गया हूँ अब क्या करोगी मंजन मंजन करेगी नहाएगी और फिर उसके बाद क्या खाओगी दलिया। फिर दलिया खाएगी नाश्ता करेगी और बज कितना रहा नौ बज रहा छाले छात बज रहा कह रही दस। आ बता रही साढ़े दस नौ बज रहा नौ तो बच रहे नो और पानी रख दिए गरम होने के लिए अभी मैंने भी नहीं नहाया है और मेरी बिंदी भी रात में निकली गई थी अब बिंदी रात में निकली जाती और हमारे यहाँ जब तक नहाते नहीं तब तक बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाते ऐसा बोलते तो गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और मैं मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कई मत जाइए फिर उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं कमरे में आ गई क्योंकि बिट्टू को नहला धुला दिए हैं और वो अपना नाश्ता कर रही हैं उसके बाद मैंने भी स्वेटर वेटर निकाल दिए हैं और बेड शीट वग़ैरह मुझे चेंज करनी है क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया है बेड शीट मैंने चेंज नहीं की थी तो बेड शीट को चेंज करते हैं और गाइज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ कि लव मैरिज करना क्या सही है और फिर लव मैरिज जब कर ही लिए हैं तो उसके बाद दूसरी शादी करना क्या सही है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरती और छोटू की स्टोरी में क्या आपको लगता है आरती सही ही है प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड और कल मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए और चैनल में पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ गाइज अगर हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और गाइज मैं कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी धमाकेदार ब्लॉग के साथ तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए ओके बाय टाटा सी यू और हाँ जी अच्छे अच्छे बातें कीजिए धूप में बैठिए धूप लीजिए और मेरे जीवन की जो लाइफ स्टाइल है वो मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कल मैं अपनी दिनचर्या बताती हूँ यानी अपनी पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो कल आप लोग ब्लॉग में ज़रूर आइएगा और ब्लॉग का मजा लीजिए तब तक रखती हूँ बाय बाय टाटा शी यू और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में